अगर मैं कहूँ कि काइजू नान का ये फॉर्म इसका ट्रू फॉर्म है ही नहीं, तो क्या तुम मेरी इस बात पर बिलीव करोगे? और अगर नहीं तो डोंट वरी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं तुम्हें इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ इस मशरूम जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के बारे में कई सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हें नहीं पता। एक मिनट, कुछ सुना? वो आ रहा है। इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने एनिमे और मैंगा दोनों में से रेफरेंस लिए हैं। तो अगर स्पॉयलर्स आ गए तो कान में रुई डाल लेना, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहली चीज, काइजू नंबर 9 हाल ही में पैदा हुआ है, और ये चीज इसके बातों से समझ में आती है कि ये अपने आसपास की हर एक चीज समझने की कोशिश कर रहा है। कि अगर काइजू 9 पहले से एग्जिस्ट करते आ रहा होता तो ह्यूमंस को उसके बारे में पहले पता चल जाता, क्योंकि इसका फोर्टिट्यूड लेवल 8.5 है। और अगर तुम्हें लगता है कि काइजू नंबर 9 का ये फॉर्म इसका ट्रू फॉर्म है, तो शायद तुम गलत हो। जब हम काइजू नंबर 8 की बात करें तो वो काफ्का के बॉडी में हाइड रहता है और जरूरत पड़ने पर काफ्का को काइजू में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये सारी चीजों में पूरा कंट्रोल काफ्का के पास होता है। सेम एज काइजू नंबर 9, वो भी ह्यूमंस में छिप कर रहता है और जरूरत पड़ने पर काइजू में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इस सारी चीजों में पूरा कंट्रोल काइजू नंबर 9 के पास होता है, उस ह्यूमन के पास नहीं जिसके अंदर काइजू नंबर 9 है। एक इम्पोर्टेंट बात जिससे ये थ्योरी प्रूव हो जाती है कि काइजू नंबर 9 बॉडीज एक्सचेंज करता है, ना ही कि किसी को देखकर उसी की तरह रूप बदल देता है। तो शायद ये चीज हो सकती है कि काइजू नंबर 9 भी काइजू नंबर 8 की ही तरह एक इंसेक्ट जैसा दिखने वाला काइजू हो जो बॉडीज में छिप कर रहता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे तुम्हें बतानी है काइजू नंबर 9 के रिलेटेड, काइजू नंबर 9 वॉज क्रिएटेड बाय सम सीक्रेट पार्ट ऑफ अ डिफेंस फोर्स। वैसे ही काइजू के पावर्स को लेकर पावरफुल वेपन्स बनाती है, तो क्या चीज हो सकती है कि डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 9 को बनाया था एक पावरफुल वेपन समझकर कि वो हमारे साथ मिलकर काइजू के अगेंस्ट फाइट करे। इस चीज को लेकर मेरे पास दो विटनेसेस है। सबसे पहला मीना का टाइगर बाको। जब तुम सर्च करोगे बाको फ्रॉम काइजू नंबर 8, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक काइजू है जो टाइगर की तरह दिखता है। और इस चीज से समझ में आता है कि डिफेंस फोर्स काइजूस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और अलग अलग काइजूस को बना रही है। जहां हम इस बाको की बात करें तो ये उतना ज्यादा पावरफुल और डेवलप्ड काइजू नहीं है, और शायद ये काइजू है इस चीज के बारे में सिर्फ मीना और कुछ ही लोगों को पता है। और सेकेंड विटनेस है काइजू नंबर 8 के एनिमे का ट्रेलर, जहाँ पर हमें एक लैब दिखाई जाती है और एक कंटेनर के अंदर एक बड़ी फिश और कई सारी छोटी फिश दिखाई जाती है। तो क्या ये चीज हो सकती है कि जो बड़ी फिश है वो एक काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स बना रही है, और डिफेंस फोर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी से ये सारी चीजें प्रूव हो सकती है। और हमें वैसे भी एनिमे में बताया गया है कि डिफेंस फोर्स के पास काइजू के रीजनरेशन वाली एबिलिटी की मशीन है जो कोई भी बीमारी और कोई भी जख्म वो ठीक कर सकती है। तो क्या उनके पास काइजू के क्रिएशन वाली मशीन नहीं होगी? एक चीज एनिमे में नोटिस करने वाली है, जब डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स काइजू के साथ लड़ते हैं तब ऑपरेटर्स उनकी हेल्प करते हैं काइजू की इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो सारे ऑपरेटर्स लैब कोट्स पहने रहते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, एक कंप्यूटर ऑपरेटर को लैब कोट की क्या ही जरूरत? लैब कोट सिर्फ वही पहनते हैं जो लैब टेक्नीशियंस हो या फिर डॉक्टर्स हो। तो ये वीडियो यही तक था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो अपने बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और एक चीज थोड़ा वेट करो क्योंकि अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। तो तब तक मेरे इस जुजुत्सु कैसे नर वीडियो को देख लो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।